हमारी मासिक समीक्षा बैठक चल रही है प्रदेश युवा कांग्रेस की, राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर की जो हमने मांग कर रखी है, उस कैंपेन को आगे कैसे बढ़ाना, उस पर बात हुई। साथ ही साथ क्योंकि विधानसभा का सत्र पास में है, तो जनहित के कौन कौन से मुद्दों को विधानसभा में उठाना है अपने विधायकों के थ्रू, उस पर, और साथ ही साथ यूथ कांग्रेस आने वाले समय में राज्य में जल्दी से जल्दी युवा आयोग का गठन हो, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। चुनाव के वक्त बहुत सारे लोगों के खिलाफ शिकायतें आई थी, तो उसके लिए हम लोगों ने आज एक जांच कमेटी बनाई है, जो कमेटी जांच करेगी कि कौन कौन से लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। और उस जांच कमेटी में 3 उपाध्यक्ष और 3 जनरल सेक्रेटरी होंगे, और जांच कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत राज जी होंगे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री ने युवा भत्ता पे अपना मंतव्य भी दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि युवा रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया है। ये एक प्रोसेस होता है, एकदम से उठ के आपको किसको देना है किसको नहीं देना उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक बार जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री उस पर जरूर जल्द से जल्द निर्णय लेंगे और उसका निष्पादन जल्द से जल्द करेंगे, और जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वही मांग हम राष्ट्रीय लेवल पे भी प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं कि भाई आप एक बेरोजगारी रजिस्टर बनवाइए, और जो बेरोजगारों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे उन्हें आप भत्ता दीजिए। अब खजाना तो खाली है, आप भी जानते हैं 65 करोड़ रुपए थे झारखंड के खजाने में जब नई सरकार अपने स्वरूप में आई थी। अब हमारे यशस्वी और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे रामेश्वर राव जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो जल्द से जल्द अनेकों उपायों से खजाना भरने की कोशिश करेंगे। और जो केंद्र के पास झारखंड का हिस्सा पड़ा हुआ है, जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, जो पैसा GST का जो केंद्र के पास पड़ा हुआ है, वो उस पे केंद्र सरकार पे दबाव बनाने की ज़रूरत है कि भाई आप वो पैसा हमें दे। यहाँ पे आप वैसी राजनीति नहीं कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है, केंद्र को और राज्यों को एक साथ मिलके चलना है, आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने युवा भत्ता पे अपना मंतव्य भी दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि युवा रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया है। ये एक प्रोसेस होता है, एकदम से उठ के आपको किसको देना है किसको नहीं देना उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक बार जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री उस पर जरूर जल्द से जल्द निर्णय लेंगे और उसका निष्पादन जल्द से जल्द करेंगे, और जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वही मांग हम राष्ट्रीय लेवल पे भी प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं कि भाई आप एक बेरोजगारी रजिस्टर बनवाइए, और जो बेरोजगारों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे उन्हें आप भत्ता दीजिए। अब खजाना तो खाली है, आप भी जानते हैं 65 करोड़ रुपए थे झारखंड के खजाने में जब नई सरकार अपने स्वरूप में आई थी। अब हमारे यशस्वी और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे रामेश्वर राव जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो जल्द से जल्द अनेकों उपायों से खजाना भरने की कोशिश करेंगे। और जो केंद्र के पास झारखंड का हिस्सा पड़ा हुआ है, जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, जो पैसा GST का जो केंद्र के पास पड़ा हुआ है, वो उस पे केंद्र सरकार पे दबाव बनाने की ज़रूरत है कि भाई आप वो पैसा हमें दे। यहाँ पे आप वैसी राजनीति नहीं कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है, केंद्र को और राज्यों को एक साथ मिलके चलना है, आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि युवा रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया है। एक बार जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री उस पर जरूर जल्द से जल्द निर्णय लेंगे और उसका निष्पादन जल्द से जल्द करेंगे, और जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वही मांग हम राष्ट्रीय लेवल पे भी प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं कि भाई आप एक बेरोजगारी रजिस्टर बनवाइए, और जो बेरोजगारों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे उन्हें आप भत्ता दीजिए।